टीजीटी पीजीटी की मैथ्स की क्लास के लिए आज मैट्रिसेस का यह दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट्स को आपने कुछ दिन पहले पब्लिक प्लेटफॉर्म पर देखा था, उस दिन मैंने मैट्रिसेस को स्टार्ट किया था, उसकी डिफिनीशन, उसके कॉन्सेप्ट, उसके सभी प्रकार के क्लासिफिकेशन अर्थात पूरा वर्गीकरण, और उस दौरान मैंने आपको यह भी बताया कि मैट्रिसेस की उपयोगिता क्या है, उसको आगे हमें किस तरह से सिक्वेंशियल फॉर्म में पढ़ना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। उसी दिन मैंने आपको समझाया था कि मैट्रिसेस के ऑपरेशन को हम लोग यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट मानकर चलते हैं, जिसके कुछ भाग को आज मैंने आपके सामने यहां पर मेंशन किया है, और मैं प्रयास करूंगा कि इन पार्ट्स को मैं प्रॉपर आपको डिटेल से समझा सकूं, जिससे आप अपनी परीक्षा में एक से दो अंक अपने फिक्स कर सकते हैं। मैट्रिसेस की इंपॉर्टेंस को आप जानते होंगे कि लगभग हर परीक्षा में, चाहे वो किसी भी प्रकार की कंपटीशन जो इस स्तर की परीक्षा होने जा रही हो, टीजीटी पीजीटी या ट्वेल्थ प्लस लेवल की जो भी परीक्षाएं होती हैं, जहां पर इस प्रकार के कंपटीशन का यूज या इस प्रकार की मैथमेटिक्स का कंपटीशन में यूज किया जाता है, वहां पर मैट्रिसेस के एक से दो या उससे ज्यादा प्रश्न आने निश्चित होते हैं। ये जो टॉपिक है ये श्योर है, आप यहां पर श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। आज के इस क्लास में मैंने यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि सबसे पहले मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अर्थात मैट्रिसेस के जोड़ घटाव को यहां पर मेंशन किया है, दूसरा मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिसेस का प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट इसको हमें समझाना है, इसमें मुझे डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक का पूरा अप्रोच आपके सामने एक्सप्लेन करना है, माइनर को फैक्टर और एडजॉइंट को आपके सामने एक्सप्रेस करना, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हमको इनवर्स पढ़ना होता है तो उसके बिफोर मुझे इन सब चीजों को जानने की बड़ी आवश्यकता होती है, और इनवर्स या उससे आगे जो हमने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जैसे कि इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, इस प्रकार के मैट्रिसेस के इन्वर्जन का यूज, जो कि हम लोग एप्लीकेशन अर्थात इससे संबंधित जो कि समीकरण बनते हैं उनको सॉल्व करने के दौरान करते हैं, इसलिए इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की इंपॉर्टेंस या गंभीरता बढ़ जाती है। तो आज के सेगमेंट में जितना मैक्सिमम हो सकता है ऊपर से नीचे की तरफ हम उतना करने की कोशिश करेंगे, और आई होप आप सभी लोग प्रॉपर पूरे सेशन को अच्छे से देख करके इससे अपने एग्जाम में इसकी इसको एज ए प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सशक्त रूप से ले सकेंगे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं। सबसे पहले मैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करूंगा, जोड़ और घटाव की बात करूंगा। मैट्रिसेस के जोड़ और घटाव को पढ़ने से पहले मुझे मैट्रिसेस की तुलनात्मकता को ऊपर डिस्कशन करना जरूरी होता है, इसलिए मैं जोड़ घटाव करने से पहले आपको बताऊंगा अबाउट द तुलनात्मक आव्यूह अर्थात व्हाट अबाउट द कंपेरेबल मैट्रिक्स, कौन सी दो आव्यूह आपकी तुलनात्मक अर्थात कंपेरेबल होंगी, क्योंकि जोड़ और घटाव तभी पॉसिबल है जब मैट्रिसेस कंपेरेबल हो अर्थात दोनों के मध्य, दोनों के बीच एक प्रकार की तुलना की जा सके। तुलना का अर्थ है दोनों के आर्डर का समान होना, दोनों के अगर आर्डर रो क्रॉस कॉलम कॉम्बिनेशन जो बनकर आता है मतलब ऑर्डर्ड पेयर अगर सेम है तो दो मैट्रिसेस आपकी कंपेरेबल है। अगर मेरे सामने एक मैट्रिक्स ए दी गई है जिसका आर्डर यम क्रॉस एन है, एक दूसरी मैट्रिक्स सपोज करिए बी दी गई है जिसका आर्डर यम क्रॉस एन है, तो दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं, दोनों इक्वल हो ना हो अलग चीज है, लेकिन दोनों के बीच एक प्रकार की तुलना की जा सकती है। अगर मान लीजिए यह मैट्रिक्स आपकी जिसका आर्डर यम क्रॉस एन है A11, A12, सो ऑन A1n तक के एलिमेंट्स हैं, A21, A22, A2n तक के एलिमेंट्स हैं, इसी प्रकार से अगर बढ़ते गए AM1, AM2, सो ऑन AMn तक के एलिमेंट्स हैं, तो आपने देखा कि इसका आर्डर यम क्रॉस एन बनकर आया। उसी प्रकार से अगर हम दूसरे मैट्रिक्स की बात करें, इसकी बात करें, इसके भी एलिमेंट्स कुछ इसी प्रकार से B11, B12, सो ऑन B1n, और फाइनली देखिए B21, B22, B21, और यहां पर अगर हम बढ़ते चले जाए तो यहां पर BM1, BM2 और फाइनली BMn। मतलब आपने इसको भी अनुभव किया, एक्सप्रेस किया, तो देखा कि यहां भी इसका भी आर्डर एम क्रॉस एन बनकर आ रहा है, इसका भी आर्डर एम क्रॉस एन बनकर आ रहा है। दो मैट्रिसेस अगर सेम ऑर्डर की हैं तो सेम ऑर्डर्ड मैट्रिक्स आपकी कंपेरेबल अर्थात तुलनात्मक मैट्रिक्स कहलाती हैं। और एक बात जान लीजिए, ये दो मैट्रिसेस अगर सेम एलिमेंट्स कंटेन करें, मतलब आप कह सकते हैं कि टू कंपेरेबल मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा, टू कंपेरेबल मैट्रिक्स इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ दियर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम
एलिमेंट्स आर सेम, अगर उनके सभी संगत अवयव, संगत एलिमेंट्स इक्वल हैं, तब तो वो दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स आपकी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगी। मैंने अभी दो मैट्रिसेस लिया था, सपोज करिए एक ए थी जिसका आर्डर एम क्रॉस एन था, दूसरी एक मैट्रिक्स थी बी जिसका भी आर्डर एम क्रॉस एन था, क्योंकि आर्डर दोनों का सेम था इसलिए दोनों कंपेरेबल हैं। अगर मैंने इसका कोई भी एलिमेंट ए ऑफ आई जे निकाला, ए ऑफ आई जे अर्थात किसी भी लोकेशन का एक एलिमेंट उठाएं, उसके करिस्पॉन्डिंग बी ऑफ आई जे यहां पर अगर बराबर है, बी ऑफ आई जे अगर बराबर है, तो आप इन दोनों मैट्रिसेस को कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स हैं। दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होती हैं, पहली चीज तो कंपेरेबल हो, कंपेरेबल के साथ साथ उनके एलिमेंट्स का इक्वल होना जरूरी है। इस पर संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम समझ करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे, समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए यह क्वेश्चन दिया, दो मैट्रिसेस आपको दिए गए, दोनों के बीच इक्वलिटी का साइन लगा है। यह इक्वलिटी तभी पॉसिबल थी जब इसका भी आर्डर 2x2 था और इसका भी आर्डर 2x2 था, अर्थात दोनों का आर्डर सेम था। अब इस दौरान आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, दो अननोन हमको एलिमेंट्स के प्लेसेस पर मेंशनड वैल्यूड हैं, उन्हीं को हमें पता करना है। दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो उनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का भी इक्वल होना जरूरी है। आप इसका मतलब इसका पहला इसके पहले के इक्वल हो जाएगा, जिसको देख करके आप लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5, अर्थात एक्स का मान कितना हो जाएगा 2। यहां से अगर हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, y माइनस 4 इज इक्वल टू, आप इसके कंपेरेबल इसको कर सकते हैं अर्थात 3 लिखेंगे, तो y का मान आपका 7 हो जाएगा। x का मान 2 आया, y का मान 7 आया, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया। अगर आप थोड़ा सा चेक करना चाहे वेरीफाइड, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, आप इसको भी दोनों को जोड़ के देखिए तो 2 प्लस 7 भी क्या हो रहा है 9। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हम तो कंपेयर करके एक छोटा सा समीकरण बना के आराम से हम लोग यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, कंपेरेबल मैट्रिसेस एलिमेंट्स करिस्पॉन्डिंगली अगर इक्वल हैं तो मैट्रिसेस इक्वल हैं, और उस दौरान हम लोग यहां पर जो भी इक्वालिटी के बेस पर अननोन होते हैं, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया है तो हम जरूर फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसी पर देखिए, जैसे इसमें देखिए क्या बोला है, यहां पर एलिमेंट्स आपको दिया है कि 3 है, दिस इज एक्स माइनस वाई, दिस इज 2x प्लस वाई एंड 7 3 1 8 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, हमसे केवल वाई पूछा है। अगर हमसे केवल y पूछा है तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि दो हमारे पास जनरल समीकरण दिए गए हैं। एक समीकरण आप इस तरह से यूज कर सकते हैं जिसको लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, जबकि दूसरा हमको क्या दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमको यहां पर अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 8 है। जैसे या इसके 8 के कंपेयर में है या इसके 1 के कंपेयर में है। मुझे x हटाना है, y को लाना है, जबकि यहां पर अगर देखा जाता तो आप पहले तो x को फाइंड करके y निकाल सकते थे। अगर चाहे समीकरण को देखिए, y कैंसिल करके 3x कर दीजिए, इक्वल टू 9 कर दें, और x की वैल्यू अगर 3 हो गई, यहीं पर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3 माइनस वाई इक्वल टू 1 हो गया, तो y इक्वल टू आपका 3 से 1 निकलेगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। शुरू में ही अगर हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना जानते हैं तो आई होप इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी प्रकार की, जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। जैसे देखिए x की वैल्यू अगर 3 आई थी तो 3 माइनस वाई इक्वल टू अगर 1 हुआ तो y की वैल्यू यहां पर 2 हो गई, जो कि हम लोग इस तरह से करके सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कभी इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने आए तो हम लोग उसको समझ पाए। कंपेरेबल का यूज है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, कंपेरेबल से संबंधित खुद से सेपरेट प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसको जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमने शुरू में एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टार्ट किया था तो वही से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपने देखा कि कंपेरेबल क्या था, अब हम आपको एक डिफिनेशन दे रहे हैं कि टू कंपेरेबल मैट्रिसेस ओनली कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। अगर हम कोई अन्य प्रकार की मैट्रिसेस, आपसे कोई कह दे कि सभी क्या मैट्रिसेस ऐड की जा सकती हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ओनली कंपेरेबल मैट्रिसेस कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ओनली कंपेरेबल मैट्रिसेस कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड, मतलब केवल तुलनात्मक मैट्रिसेस जो हैं उन्हीं को हम जोड़ और घटाओ कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे सोच लीजिए, क्या सभी मैट्रिसेस कोई एक पेयर हम उठा के दे दे और आपसे कह दे कि ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यह हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता है। पॉसिबल तभी होगा जब पहली मैट्रिसेस का जो आर्डर है वही दूसरी मैट्रिसेस का भी आर्डर हो। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए दी गई, इसका आर्डर एम क्रॉस एन है,
दूसरी मैट्रिसेस जिसका आर्डर अगर मान लीजिए यम क्रॉस एन है, तभी हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अगर समझे तो कैसे देखिए बना, मान लीजिए मैंने यहां पर दो मैट्रिक्स लिया, कंसीडर अ मैट्रिक्स ए, सबसे पहले ए लिया आप यम क्रॉस एन ऑर्डर एंड बी वो भी यम क्रॉस एन ऑर्डर का है। अगर हम ए के एलिमेंट्स की बात करें, देखिए ध्यान से, हमने लिखा यहां पर ए वन वन ए वन टू सो ऑन ए वन एन, इसी तरह से अगर हमने लिखा ए टू वन ए टू टू एंड सो ऑन ए टू एन, फाइनली ए एम वन ए एम टू एंड सो ऑन ए एम एन। दूसरा देखिए हमने मैट्रिक्स लिखा बी, बी के पास भी उसी टाइप से एलिमेंट्स है बी वन वन बी वन टू सो ऑन बी वन एन, बी टू वन बी टू टू सो ऑन बी टू एन, फाइनली बी एम वन बी एम टू सो ऑन बी एम एन। इसका भी आर्डर आपने देखा यम क्रॉस एन है। अब जरूरत पड़ने पर हम इनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अर्थात हम ए प्लस माइनस बी निकाल सकते हैं। जोड़ने के दौरान प्लस लगाइए और घटाने के दौरान माइनस लगाइए। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच यहां पर ए ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, लगाए जाएंगे, अर्थात मैं लिख सकता हूं ए वन वन प्लस माइनस बी वन वन, ए वन टू प्लस माइनस बी वन टू एंड सो ऑन, बढ़ते चले गए ए वन एन प्लस माइनस बी वन एन। अब देखिए यहां पर नीचे आइए, ए टू वन प्लस माइनस बी टू वन, ए टू टू प्लस माइनस बी टू टू एंड फाइनली ए टू एन प्लस माइनस बी टू एन। नीचे गए ए एम वन प्लस माइनस बी एम वन, ए एम टू प्लस माइनस बी एम टू एंड फाइनली ए एम एन प्लस माइनस बी एम एन। आर्डर देखिए यम क्रॉस एन ही रहेगा, सेम रहेगा। इनका जो एडिशन होता है अगर देखा जाए तो वह कम्यूटेटिव भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, और अगर एडिशन को सब्ट्रैक्शन के साथ लेके चले जाएं तो वह आपका डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। मतलब अगर हम लोग प्रॉपर्टीज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की लगाएं तो हम इस तरह के प्रॉपर्टीज को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस बी करने पर जो आएगा वही b प्लस ए करने पर भी आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। हाँ, एसोसिएटिव भी होता है। अगर तीन मैट्रिसेस हम ले लें, किसी भी पेयर को दो को पहले ऐड करके बाद में दूसरी मैट्रिसेस जो बची रिमेन है उसको ऐड करें, या दूसरी तरफ कोई ऑर्डर लेकर के हम इस टाइप से परफॉर्मेंस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन में आप बीच में माइनस लगा दें, बाहर प्लस लगा दें, तो इस टाइप की पॉसिबिलिटी हम लोग यहां पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके यहां पर मतलब सहचर्य नियम को अप्लाई कर सकते हैं। आप इस टाइप की कुछ भी एक मैट्रिसेस एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। सपोज करिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखा वन है टू है माइनस थ्री है फोर है टू है फाइव है ए है, एक बी दिया है हमको सेवन है वन है एट है वन है थ्री है नाइन है। अब मान लीजिए मुझसे कहा जाए व्हाट अबाउट ए प्लस बी, अगर मुझे ए प्लस बी करना है तो हम लोग तुरंत कर सकते हैं, करिस्पॉन्डिंगली ऐड कर दें, वन प्लस सेवन एट होगा, टू प्लस वन थ्री होगा, माइनस थ्री प्लस एट फाइव होगा, फोर प्लस वन फाइव होगा, टू प्लस थ्री फाइव होगा, फाइव नाइन फोर्टीन होगा। मान लीजिए मुझसे कहा जाए ए माइनस बी करिए, ए माइनस बी करने का मतलब वन माइनस सेवन माइनस सिक्स होगा, टू माइनस वन वन होगा, माइनस थ्री माइनस एट माइनस इलेवन होगा, फोर माइनस वन थ्री होगा, टू माइनस थ्री माइनस वन होगा और फाइव माइनस नाइन माइनस फोर होगा। यहीं पर अगर आपसे कहता कि व्हाट अबाउट बी माइनस ए, देखिए बी माइनस ए कैसे निकालते हैं, सेवन माइनस वन सिक्स होगा, वन माइनस टू माइनस वन होगा, एट माइनस माइनस थ्री एट प्लस थ्री इलेवन होगा, वन माइनस फोर माइनस थ्री होगा, थ्री माइनस टू वन होगा और नाइन माइनस फाइव फोर होगा। इस तरह से हमको जरूरत पड़ने पर बी माइनस ए भी हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब ये तभी पॉसिबल था जब दोनों के ऑर्डर सेम थे। इसका भी ऑर्डर देखिए टू क्रॉस थ्री था और इसका भी टू क्रॉस थ्री था, और जब मैंने एडिशन परफॉर्म किया तो उसका भी ऑर्डर टू क्रॉस थ्री आ रहा है, या सब्ट्रैक्शन किया तो उसका भी ऑर्डर टू क्रॉस थ्री ही आ रहा है। मतलब ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग कर दे जिससे कि इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर ले। देखिए इस टाइप का कभी एक क्वेश्चन पूछा गया सपोज करिए, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। एक मैट्रिक्स हमको दी गई ए, सपोज करिए एक बी है, दोनों के बीच एक एडिशन परफॉर्मेंस है। इसके पहले हमने डिसाइड किया, देखा इसका भी ऑर्डर टू क्रॉस टू था, इसका भी ऑर्डर टू क्रॉस टू था। अच्छा, इसने हमको ये भी शो कर दिया कि आफ्टर एडिंग दे बोथ बिकम सेवन जीरो टेन फाइव, दैट मीन अनदर मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। Be required to getting the value of x minus y, that means मुझे x और y चाहिए और उनका difference हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैंने दोनों को add किया क्योंकि order same थे,
और रिजल्टेंट का भी ऑर्डर सेम था जो एडिशन के बाद मिला है, तो हम करेस्पॉन्डिंगली ऐड करें दोनों को, तो 6 प्लस 1 कितना होगा 7, 4 प्लस y हो जाएगा, इसके बाद आगे चले 10 प्लस 0 10 होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए सीधा सीधा बीच में इक्वल साइन लगी, मैंने लगाया, इसका मतलब दो कंपेरेबल मैट्रिक्स हम लोग यहां पर फिर से एक्सेस करने जा रहे हैं। एक्सेस किया तो देखिए 10 10 के इक्वल दिख रहा है, 7 7 के इक्वल दिख रहा है, मुझे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने कंपेयर किया 4 प्लस y इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर y विल बी माइनस 4, इसी तरह से x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, सो x विल बी 4, x विल बी 4 हो गया, 5 माइनस 1, अब मुझे जरूरत किसकी, x माइनस y की, तो x है 4 माइनस माइनस 4 बिकम 8, तो x माइनस माइनस 4 दैट मींस x माइनस y बिकम 8, अगर हम x से y को घटाएंगे निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, हमें कुल मिला के यहां पर 8 फाइन मिलेगा, यहां पर प्राप्त होगा। आई होप ये चीज समझ पाए होंगे। तो इस तरह से यहां पर अलग अलग सिचुएशंस दे करके, जैसे मान लीजिए देखिए दिया है ए आपके सामने एक दूसरी कंडीशंस दे दिया है, एक एलिमेंट्स यहां पर बाहर, इसको हम कहते हैं स्केलर कॉन्सेप्ट, अभी मैं स्केलर यहां पर आपके सामने मेंशन करने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले इसको आप लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू हम लोग निकालें। इसको हम लिख क्या सकते हैं सोल्यूशन में, देखिए अगर बाहर कोई एलिमेंट्स लगाया गया है दैट मींस इट इज परफॉर्मिंग या इट इज डूइंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अभी हम लोग मल्टीप्लीकेशन के दौरान इस पर डिस्कशन करेंगे, जब किसी एक सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है पूरी मैट्रिक्स में, अर्थात मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स में, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पर 2x एंड 3x, और यहां पर हम लिख सकते हैं यहां पर कि माइनस वाई प्लस वाई, देखिए y के साथ मल्टीप्लीकेशन हुआ, वैल्यू बिकम 10 एंड 5। अब आपने देखा कि यह भी 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, यह भी 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, रिजल्टेंट भी 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, हम अगर ऐड करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x माइनस वाई, और इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, अगर ऐड किया हमने तो वैल्यू बिकम 10 एंड 5, देयर आफ्टर वी हैव टू इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 हो गया, एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया, मुझसे x की ही वैल्यू पूछा है, तो बढ़िया है, मैंने सिंपली ऐड किया तो ऐड हो गया, इट विल बिकम 5x एंड दिस इज 15, सो देन x विल बी व्हाट 5 3 = 15, x की वैल्यू कितनी आ रही 3, और मुझे इसकी ही जरूरत थी, तो x की वैल्यू यहां पर 3 आई है, आपसे जरूरत पड़ती तो y भी पूछता, तो y भी हम लोग आराम से निकाल सकते हैं इस सिचुएशन में, अगर ऐसी कंडीशन बने तो हम लोग कर सकते हैं। आई होप ये चीज समझ में सबको आया होगा कि किस प्रकार की एक्टिविटी यहां पर परफॉर्म की जा रही है। तो जोड़ घटाव पर होप सो अब जो भी बनेगा हम लोग कर लेंगे, और भी हम लोग प्रैक्टिस सेशन परफॉर्म करेंगे तो ज्यादा चीजें हम लोग यहां पर इस पर डिस्कस कर पाएंगे। अब बात करते हैं अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, हम लोग यहां पर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन देखिए कैसे परफॉर्म किया जाएगा। इसके लिए मैंने कहा देखिए यह नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं है, दिमाग में रखिएगा, जैसे हम दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस तरह से मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस का नहीं होता है। इस मल्टीप्लीकेशन को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मतलब जब किसी एक कॉन्स्टेंट से प्रत्येक एलिमेंट्स को हम मैट्रिक्स को, अर्थात हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स, या हम कह सकते हैं पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। दूसरा होता है जब एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अभी एडिशन कर रहे थे तो मैंने आपको समझाया कि हर दो मैट्रिसेस का एडिशन नहीं किया जा सकता, उसी का किया जा सकता है जिसके ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते थे। मल्टीप्लीकेशन में तो और कंडीशन होती है, मैं आपको दिखाता हूं, वहां तो इतना था, अगर आपने पहले से दूसरे को ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दूसरे से पहले को भी ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे तो वह भी रिस्ट्रिक्शन रहती है, हो सकता है आप ए इंटू बी परफॉर्म कर पाए तो B इंटू ए शायद ना परफॉर्म कर पाए, यह कंडीशन भी बन जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं कि स्केलर क्या होता है और किसी एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन के दौरान हमने सबसे पहले एक मैट्रिक्स कंसीडर किया, मेरे पास सपोज करिए एक मैट्रिक्स है, कंसीडर अ मैट्रिक्स ए ऑफ m क्रॉस n ऑर्डर, ये देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स थी ए, ए के एलिमेंट्स देखिए जैसे अभी तक हम बार बार लिखते थे a11 a12 सो ऑन a1n, ऐसे अगर हमने लिखा b a12 a21 a22 सो ऑन a2n am1 am2
सो ऑन ए एम एन, एम क्रॉस एन ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। स्केलर हमने इसको भी कंसीडर ही किया है, सपोज करिए के है, देन व्हाट अबाउट के ऑफ ए, के ऑफ ए क्या होगा, इट विल बी के ए वन वन, के ए वन टू, के ए वन टू, सो ऑन के ए वन एन, मतलब के प्रत्येक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा, के ए टू वन, के ए टू टू एंड सो ऑन के ए टू एन, एंड फाइनली के ए एम वन, के ए एम टू एंड सो ऑन के ए एम एन, एंड दिस विल बी अगेन द ऑर्डर ऑफ द एम क्रॉस एन। अभी जैसे हमने एक सिंगल वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन किया था किसी एक मैट्रिक्स को, तो हमने उसके प्रत्येक एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया था, सेम पॉसिबिलिटी यहां पर एक स्केलर के थ्रू यहां पर हम परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे कभी मान लीजिए मुझे एक मैट्रिक्स दिया ए, मान लीजिए दिया गया माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हमसे कहा गया फाइंड टू ए, तो व्हाट अबाउट द टू ए, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई टू इन द ईच एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, माइनस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इट बिकम माइनस टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व। अब जैसे मान लीजिए आपसे कहता कि फाइंड माइनस ए, अब हमसे कह रहा माइनस ए, दैट मीन्स इट इज सेइंग दैट कि माइनस वन इंटू ए, माइनस वन इंटू ए, सो सिंपली चेंज द साइन ऑफ द ईच एलिमेंट्स, सो माइनस ए बिकम वन, माइनस टू माइनस थ्री, माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स। ऐसे हमसे क्या पूछ सकता है, वन बाई टू ए, मान लीजिए हमसे कहता है कि व्हाट अबाउट द वन बाई टू ए, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हम लिखते हैं इसमें माइनस वन बाई टू, वन थ्री बाई टू, फोर बाई टू, टू हो जाएगा फाइव बाई टू एंड थ्री सिक्स बाई टू, इस तरह से हम वन बाई टू ए निकाल सकते थे। कोई भी एक स्केलर से अगर मल्टीप्लीकेशन करने को कह रहा है, हम प्रत्येक एलिमेंट से उस स्केलर, उस प्रत्येक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है। अब दूसरी चीज जो मेन चीज है यहां पर, उसको देखिए आप सभी लोग, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे लिखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सब लोग समझिएगा। एक मैट्रिक्स का दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन, तो हम यहां पर लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, देखिए जो थ्योरी है उसको समझने की कोशिश करिएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल, पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड, मतलब पहले का कॉलम दूसरे के रो के अगर बराबर है तभी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब आप देखो, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक मैट्रिक्स मेरे पास है, एक मैट्रिक्स मेरे पास है सपोज करिए ए, जिसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन, एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, अगर इसका ऑर्डर इसके जो इसका कॉलम रो हो इसके कॉलम अर्थात एन के बराबर, और इसका कॉलम कुछ भी जो भी हो सके, मतलब यहां पर कोई फिक्स नहीं, मैंने कहा सपोज करो पी के बराबर है, मेन हमको क्या चेक करना था, देखिए इसका कॉलम इसके रो के बराबर है कि नहीं है, जो इसमें कॉलम हो वो जाके उसमें रो के बराबर हो तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इन केस अगर यहां पर एन था, यहां पर कुछ हो जाता, अनदर एक्स हो जाता या कुछ हो जाता, तो कभी भी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता था। अब जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट सपोज करिए दोनों के मल्टीप्लीकेशन ए और बी के थ्रू यहां पर फाइंड हुआ, इसका ऑर्डर क्या बनेगा, जितना इसमें रो थी वह इसकी रो बन जाएगी, अर्थात इसकी रो एम हो जाएगी, और जितना इसमें कॉलम था वह इसका कॉलम बन जाएगा, अर्थात यह पी हो जाएगा। यह ऑर्डर, इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रख लीजिए आप सभी लोग, तो हमें आराम से मल्टीप्लीकेशन को हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया, पहले का कॉलम इसके रो के बराबर, जो रिजल्टेंट आए उसमें भी हमें फोकस करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी हम ऑर्डर को डिसाइड करना पड़ता है, हमारे लिए जरूरत होती है, तो हम क्या करें, इसका रो उसका रो बन जाएगा और इसका कॉलम उसका कॉलम बन जाएगा। यहां पर कुछ फैक्ट को फोकस करने की बड़ी जरूरत होती है। सबसे पहले मान लीजिए हम एक मैट्रिक्स ए से दूसरी मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई इस कंडीशन को फॉलो करके कर पा रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप बी ए, मतलब बी से ए को मल्टीप्लाई कर ही पाए, इसलिए
एबी जो होता है वह बीए के बराबर नहीं होता है। यहां तक तो कभी कभी बीए पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर ए से बी का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो जरूरी नहीं कि बी से ए का मल्टीप्लीकेशन हो ही जाए। तो हमने कहा ए बी बी ए के बराबर नहीं होगा। दूसरी चीज, अब इसका मतलब कम्यूटेटिव भी नहीं होगा। तीसरी बात देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमें जो बता रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस इज पॉसिबल फॉर सेम ऑर्डर ओनली। अब सेम ऑर्डर ओनली का मतलब क्या है कि अगर दो मैट्रिसेस हैं, दोनों स्क्वायर हो और दोनों का ऑर्डर सेम हो, ऐसे मत समझिए कि दोनों स्क्वायर है तो मल्टीप्लाइड ही हो सकती हैं। तो 2x2 को हम 3x3 से थोड़ी मल्टीप्लाई कर पाएंगे, हम 2x2 को 2x2 से ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे, 3x3 को 3x3 से ही मल्टीप्लाई कर पाएंगे। मतलब दो मैट्रिसेस अगर स्क्वायर हैं और सेम ऑर्डर की हैं तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, लेकिन अगर सेम ऑर्डर की नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं। तो इसमें कंडीशन ध्यान में रखने की आपको जरूरत होती है कि ए बी और बी ए की जो मतलब पहले से दूसरे का मल्टीप्लीकेशन अगर मान लीजिए संभव हो ही गया तो जरूरी नहीं कि दूसरे से पहले का हो पाए, मतलब पहले से दूसरे का हुआ तो जरूरी नहीं दूसरे से पहले का हो जाए, अर्थात कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो हो रहा है। दूसरी बात, यहां पर इसके शुरुआत में मैंने बता रखा था इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो, रिजल्टेंट में मैंने आपको बताया कि इसका रो उसके रो के बराबर हो, रिजल्टेंट की इसका कॉलम उसके कॉलम के बराबर हो, और अंतिम में मैंने बताया दो मैट्रिसेस अगर स्क्वायर हैं और सेम ऑर्डर की हैं तो उनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स आपको दिया जिसका जिसके पास 1 2 3 4 2 1 एक ए मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास है बी, दूसरी मैट्रिक्स है बी मेरे पास, इसके पास देखिए एलिमेंट्स है 1 2 5 3 2 9 8 6 7। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब अगर हम आपसे कहें कि इज ए बी इज पॉसिबल, क्या ए से बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, आपने इसका ऑर्डर देखा 2x3 था, इसका ऑर्डर देखा 3x3 था, आपने चेक किया कि इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर है, तो मतलब ए बी पॉसिबल है, मतलब ए से बी का मल्टीप्लीकेशन किया जा सकता है। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट अबाउट द बी ए, क्या बी ए पॉसिबल है, तो आपने देखा कि इसका कॉलम 3 है और इसका रो कितना है 2 है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर ए बी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो यह जरूरी नहीं कि बी ए को भी हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। अब बात आती है इनके एलिमेंट्स को पोजीशन करने की, रखने की, उसको रखा कैसे जाता है, जैसे समझने की कोशिश करिए। अगर एक मैट्रिक्स है मेरे पास, यहां पर इसके एलिमेंट सपोज करिए A11 है, A12 है, A13 है, इसके एलिमेंट सपोज करिए A21 है, A22 है, A23 है। मान लीजिए एक दूसरी मैट्रिक्स है B, इसके एलिमेंट्स A11 है, A12 है, A21 है, A22 है, A31 है, A32 है। अब हमने देखा कि यहां पर 2x3 है और यहां भी 3x2 है, अर्थात यहां पर ए बी भी पॉसिबल होगा और बी ए भी पॉसिबल होगा। देखो ए इसका रो, इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, इसका भी कॉलम इसके रो के बराबर है, मतलब ए बी बी ए दोनों पॉसिबल होगा। इनकेस अगर आपको कहा जाए कि ए बी निकालना है तो देखिए पॉसिबिलिटी बनती कैसे, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। इस मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए इसके एलिमेंट को हम किससे लोकेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके पहले एलिमेंट अर्थात जो हमारे पास अभी रिजल्टेंट हमको मिलेगा, जिसमें हमने आपको शुरू में भी बताया था कि जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा उसका रो इस रो के बराबर होगा और उसका कॉलम उसके कॉलम के बराबर होगा, यह बताया मैंने। अर्थात इसमें रो की बात किया जाए, दो रो बनेंगे और दो ही कॉलम बनेंगे अगर हम रिजल्टेंट परफॉर्म करेंगे तो। आपको पहली जगह पे क्या रखना, इसका रो लेना होगा, इस रो को लेना होगा और इसके कॉलम को लेना होगा, अर्थात हम इन रो के प्रत्येक एलिमेंट्स को करिस्पॉन्डिंगली कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, जोड़कर पहली पोजीशन अर्थात इसका रो 1 उसका कॉलम 1 मतलब इसका पहला एलिमेंट 1 1 हम रिप्लेस करेंगे रखेंगे। दूसरी बात, हम इसी पहले रो को अब इसके सेकेंड कॉलम के साथ सेम प्रकार से हम लोग यहां पर फिर से कंसिडर करेंगे और इस सेकेंड एलिमेंट को जनरेट करेंगे, मतलब 1 2 पोजीशन पर हमारे पास इसकी फर्स्ट रो उसका सेकेंड कॉलम आएगा,
यहां पर फिर से आएंगे तो हम यहां का सेकेंड रो अब उठाएंगे, सेकेंड रो उठाएंगे इस लोकेशन के लिए, और उसका फर्स्ट कॉलम मतलब 2-1 पोजीशन फुलफिल करेंगे, और फाइनली इसका सेकेंड रो उसके सेकेंड कॉलम के साथ यहां पर 2-2 लोकेशन को फुलफिल करेगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं तो ज्यादा परफेक्शन के साथ आप इस चीज को क्लियर कर पाओगे कि क्या बातें मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ए देखिए, आपके पास मान लीजिए 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 1 है, 4 है। एक दूसरा हमारे पास देखिए माइनस, या हम कह सकते माइनस 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है। मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास यहां पर 2x3 है और 3x2 है। आपने देखा कि यह ए था और यह बी था। अब यहां पर हमने अभी जैसे बताया कि इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ए से बी का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। देखिए कैसे किया जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहला रो उठाएं और इसका पहला कॉलम उठाएं। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 1 × −1 बिकम −1, 2 × 3 + 6 लिख दीजिए, +1 × 1 + 1 लिख दीजिए, पहला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। चलिए आर्डर बताओ कितना आएगा इसका, पहले से क्लियर कर लीजिए। इसका 2 है ना, देखिए रो तो 2 लिख दीजिए, और इसका कॉलम 2 है तो 2x2 का एलिमेंट या मैट्रिक्स हमारे पास यहां पर हमारे सामने जनरेट होगा। आगे चलो देखिए, इसके बाद हम इसी रो को अब इस कॉलम के साथ परफॉर्म करेंगे, तो 1 × 5 = 5 होगा, 2 × 2 + 4 होगा, और 1 × 4 = 4 होगा। हो गया पहले रो का काम कंप्लीट, पहला रो इसका फाइनल हो गया। दूसरे रो के लिए इसका दूसरा रो उठाइए, क्या है 3, 1, 4, इसका पहला कॉलम −1, 3, 1, तो चलिए 3 × −1 − 3 हो गया, 1 × 3 + 3 लिख दीजिए, 4 × 1 = 4, 1 = 4 लिख दीजिए। अब इसी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ परफॉर्म करिए, तो 3 × 5 = 15 हो गया, 1 × 2 + 2 हो गया, +4, 4 = 16 हो गया। अब इसको फाइनली इवेलुएट कर दीजिए, तो 6, 1, 7, 7 से 1 निकलेगा 6, 4, 4, 8, 5, 13, 3, 3 से कैंसिल हुआ ओनली 4, 15, 16, 31, 31, 2, 33, तो यहां पर यह ए बी बनकर हमारे सामने आ रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी, मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। इसको आप लोगों को सेट करना पड़ेगा अपने माइंड में, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है आगे चल करके, इसलिए इस पर हम लोग को ज्यादा अटेंशन बनाने की जरूरत होती है, कोई कंफ्यूजन दिमाग में ना रहे, इसलिए इन सब चीजों पर समय दिया जाता है। आगे मैं इस पर कुछ एक दो एक्सरसाइज या क्वेश्चन हम करें जिससे कि ये चीजें आपको समझ में आए कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे परफॉर्म हम कर सकते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने है, दिया है एक मैट्रिक्स 2x2 की ऑर्डर की है, यह भी 2x2 का है, मल्टीप्लीकेशन किया दोनों के साथ, इसकी इक्वालिटी इसके साथ दिया, और फाइनली एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब सब कुछ इसके साथ, यहां पर कंपेटिबिलिटी है, कंपेयरबिलिटी है, साथ साथ मल्टीप्लीकेशन भी है। चलिए पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करें दोनों का। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करें, आपको पता है रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से सीरियसली आप लोग समझिएगा, 2 × 1 = 2 होगा, +3 × −2 − 6 होगा। समझ रहे हैं, इस रो को लिया था, इस कॉलम को लिया था, अब इसी रो को इस कॉलम के साथ लेंगे, तो −6, 2 × −3, 3, 4 = 12 लिख दिया मैंने। इसके बाद दिस रो एंड दिस कॉलम, 5 × 5, 7 × 2 = 14, −14 लिख दिया मैंने। इसके साथ दिस रो एंड दिस कॉलम, −15 लिख दिया मैंने, 7, 4 = 28 लिख दिया मैंने। दैट इज इक्वल टू व्हाट, −4, 6 − 9 एक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दिस विल बिकम अगेन −4, देखिए −4 हो जाएगा, दिस इज 12, ये 12 हो गया, सॉरी 6, क्योंकि 12 माइनस 6 6 हो जाएगा, −5 − 14 − 9 हो जाएगा, एंड दिस इज 13, या 13 हो जाएगा, इज इक्वल टू −4, 6 − 9 एन एक्स। आप चेक करो, कंपेयर करो, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो ये भी तो इसको इक्वल ही होगा, और बीच में इक्वालिटी लगी है, तो एक्स इज इक्वल टू यहां पर कितना बनकर आ रहा है, 13 आ रहा है। और होप सो आप चीजों को समझ पा रहे हो, मल्टीप्लीकेशन भी परफॉर्म हुआ, साथ साथ यहां पर कंपेरिजन भी हमने लगाया, तुलना भी हमने करी, और जो हमारे लिए अननोन रिक्वायर्ड था मैंने उसको फाइंड किया। आगे देखते हैं, इस पर एक एग्जांपल और करेंगे, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे। ये देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है कभी कभी, हमसे मैट्रिक्स ही पूछ लिया, एक मैट्रिक्स बताइए सच दैट दिस पॉसिबिलिटी विल हैपन, या जब इस तरह की घटनाएं घटे तो उस दौरान ए मैट्रिक्स पूरा का पूरा उसके एलिमेंट्स के साथ आपको बताना है। मतलब एक प्रकार से दिस मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइंग विद अनदर मैट्रिक्स, दिस इज नॉट एलिमेंट्स, दिस इज द मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स है।
इसके पहले इस मैट्रिक्स की बात करिए कंटेनिंग द 4-1-3, पहली चीज इसका ऑर्डर सोचिए क्या दिया है, 3x1। दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकती है बताइए, जब जितना इसमें कॉलम हो उतना ही इसमें रो हो, रो मतलब एक ही रहेगी, आप समझ गए होंगे, रो एक ही रहेगी, क्लियर हो गया। और इसके पास कॉलम कितने रहेंगे, आपको बताया गया था जो रिजल्टेंट होता है कंटेनिंग द नंबर ऑफ रो फ्रॉम द फर्स्ट मैट्रिक्स, दैट मीन्स 3 था इसके पास, और नंबर ऑफ कॉलम फ्रॉम द सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब 3 कॉलम इसके पास होंगे, मतलब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, ए बी एन सी, सपोज करिए मैंने ले लिया, आपने देखा किसका ऑर्डर हमने कैसे मेंशन किया, ये देखिए नंबर ऑफ रो इसके कॉलम के बराबर और नंबर ऑफ कॉलम इसके कॉलम के बराबर, यहां पर ये बनकर सामने आया बराबर। देखिए जो हमारे सामने है वो तो मैं अभी बाद में भी लिख सकता था, मैं अभी भी लिख दे रहा हूं, -1, -8, -10, 1, -2, -5, 9, 22 एंड 15। तो चलो ये ना भी लिखते तो अभी कोई जरूरत नहीं थी यहां पर, खास करके आपको सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर प्लान करना था। होप सो स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कैसे बना, इसके कॉलम को रो को इसके कॉलम से हमने डिसाइड किया और इसके कॉलम को इसके कॉलम से हमने डिसाइड किया जो कि 3x3 का था। अब इसको हमें परफॉर्म करना है और सॉल्व करके हमें मैट्रिक्स ए का पूरा एलिमेंट हमें शो करना है, दिखाना है। चलिए जो रूल होता है उस रूल के हिसाब से हम लोग यहां पर एक्टिविटी परफॉर्म करें और सॉल्व करें क्या सिचुएशन बनेगी। आपको पता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो इज 4 एंड फर्स्ट कॉलम इज ए, दिस इज 4a, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बिर 4b, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बिर 4c, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम बी, सेकंड रो थर्ड कॉलम सी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3a, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3b एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 3c। सामने क्या है देखिए, -1, -8, -10, 1, -2, -5, 9, 22 एंड 15। अब आपको तो केवल वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जो हमारी जरूरत है, हम उसी एबीसी की वैल्यू को निकाल के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारा काम यहां पर हो जाए। जैसे देखिए सबसे पहले क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, अगर हम जैसे इस बीच वाले टर्म्स की बात करें क्योंकि ये सिंगल है डायरेक्ट कंपेयर करे जा सकते हैं और मुझे इसी की तो जरूरत थी, शुरू में यही करते तो हमें क्या खास यहां पर और जरूरत पड़ती, तो हम ए की वैल्यू कितना लिख सकते हैं 1, बी की वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग यहां पर -2 और सी की वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग यहां पर -5। तो ए हो गया 1, बी हो गया -2 और सी हो गया -5, तो हमारा जो ए बन गया मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगा बताइए, वह मैट्रिक्स आपका कितना हो सकता था, वह मैट्रिक्स आपका जो हो सकता था वह आपका 1, -2 एंड -5 हो सकता था। जो मैट्रिक्स आपके सामने बनकर आता वह 1, -2 एंड -5 बनकर आता, यह पॉसिबिलिटी हमारे सामने है। तो आइए इस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं और वह क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप सभी लोग जो है इस पे भी आप लोग मल्टीप्लीकेशन के एक सही अप्रोच को समझ पाएंगे। यहां पर देखिए हमारे पास सबसे पहले एक मैट्रिक्स दी गई है, उस मैट्रिक्स का अगर आर्डर देखा जाए तो आर्डर हमारे सामने कितना दिया देखिए 3x1। इसका एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स दिया जिसका आर्डर 3x3 है और इसने हमसे स्टार्टिंग में कहा फाइंड द मैट्रिक्स इज सच दैट, तो मतलब दिस इज नॉट अ एलिमेंट, दिस इज अ मैट्रिक्स। यहां पर मुझसे एक मैट्रिक्स के बारे में बात करने को कहा गया, उसको निकालने को कहा गया, तो मैट्रिक्स निकलेगा तो विद देयर एलिमेंट्स निकलेगा, तो मुझे उसके एलिमेंट्स को यहां पर डिस्क्राइब करना है कि उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो मैं एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के पहले सबसे पहले इसका ऑर्डर मैं यहां पर प्लान करता हूं। ये आपकी जो मैट्रिक्स दी गई देखिए क्या है, 4 है, 1 है, 3 है। अब हमारे पास ए जो दिया गया है उसके ऑर्डर को समझने के लिए आपको पता है कि जो इसका कॉलम होगा उतना ही इसका रो होगा, इसका मतलब रो कितनी होगी, 1 होगी, और जितना इसमें कॉलम होगा उतना ही उसमें कॉलम होगा, अर्थात 3 कॉलम होंगे, 1 रो होगी और 3 कॉलम होगा। ये चीज को ध्यान दो कि इसके कॉलम के बराबर इसमें रो होगी, तो मैंने रो देखिए 1 मेंशन किया, इसके कॉलम के बराबर उसमें कॉलम होगी तो कॉलम आपने 3 मेंशन किया, तो यहां पर एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी हो जाएंगे। देखिए 1 रो एंड 3 कॉलम, इसको अगर हम लोग प्लान कर पाएंगे तभी जब हम पूरे अप्रोच को सही तरह से क्लियर किए हों। 3x1 था देखिए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो गया और इसका कॉलम इसके रो के बराबर और इसका कॉलम इसके कॉलम के बराबर हो गया, यही चीज हमको यहां पर प्लान करना था। अब अगर हमने ऐसा कर लिया तो मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उसके तहत हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ इसकी तुलना करेंगे, तुलना करके एबीसी निकालेंगे, वही एलिमेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स जनरेट करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा क्या, इसको मल्टीप्लाई करिए
तो मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है कि जो एलिमेंट्स बनकर आएगा वो 3x3 का बनकर आएगा, तो 3x3 के हिसाब से एलिमेंट हम मैट्रिक्स तो जरूर सोचेंगे, लेकिन हमें ऐसी कोई बहुत जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो हमें जरूरत केवल एबीसी की है, जहां से एबीसी आपको एग्जैक्टली मिल जाए वहीं से हम लोग यहां पर उतने पे लेके छोड़ सकते हैं। चलिए, इसका पहला रो, इसका पहला कॉलम तो 4a हो गया, पहला रो सेकेंड कॉलम 4b हो गया, इसी तरह से 4c हो जाएगा। ऐसे इधर से अगर शुरू करें तो a हो जाएगा, b हो जाएगा, c हो जाएगा, और फाइनली 3a होगा, 3b होगा और 3c होगा। तो आप देखो तो मुझे जरूरत कुछ खास नहीं थी। अच्छा, ये किसके समतुल्य है या इसके बराबर है? इसके बराबर है, तो डायरेक्ट हम एलिमेंट्स को तुलना करके निकाल सकते हैं। आप किसी रो या किसी कॉलम से डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं। तो मुझे जरूरत क्या है, डायरेक्ट ए हमारा 1 दिख रहा है, हमारा बी कितने के बराबर, 2 के बराबर दिख रहा है, और सी किसके बराबर दिख रहा है, 5 के बराबर दिख रहा है। आप यहां से किसी एक और को भी कंपेयर करके वही सेम टू सेम चीज पाते। अगर हम लोग यहां पर इन सभी को इनसे कंपेयर किए होते, या हम लोग इनसे कंपेयर किए होते, जैसे इसको इससे कंपेयर करें, तब भी ए की वैल्यू उतनी ही, बी की वैल्यू उतनी ही और सी की वैल्यू उतनी ही आएगी। अर्थात ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 5, यही हमारा करेक्ट आंसर। और हमारी जो मैट्रिक्स ए बनकर आएगी वह आपकी 1, 2 और 5 बनकर आएगी। अब 1, 2, 5 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो यही रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगी। तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का यह अप्रोच, आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब सही सही देखिए, मैट्रिक्स को तो हमने काफी हद तक सीखा, अब मैट्रिक्स का और यूटिलाइजेशन, कि हम मैट्रिक्स को तो अभी हम केवल जनरेट कर रहे हैं कि हमने एक सिस्टम, लीनियर सिस्टम को प्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स का प्रयोग किया, उसके दौरान हमें जरूरत पड़ी जोड़ने की, घटाने की, उसके तमाम प्रकार के क्लासिफिकेशन, जिसमें हम इनवर्स भी पढ़े, सिमेट्रिक भी पढ़े, ये सारी चीजें हम लोग लगभग पढ़ चुके हैं। अब हमें जरूरत है कि मैट्रिक्स का इवेल्युएशन क्या होता है, मतलब अगर एक मैट्रिक्स दी गई है उसका वजूद क्या है, उसका मूल्य क्या है। उस मूल्य को पता करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है डिटर्मिनेंट्स को। डिटर्मिनेंट्स को हिंदी में हम लोग सारणिक कहते हैं। अर्थात कोई एक मैट्रिक्स अगर दी गई है, मान लीजिए मैट्रिक्स आपके पास ए है, जिसका आर्डर सपोज करिए m क्रॉस n है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट आप जो ए होगा वह आपका सिंपली a, और देखिए a सिंबल होता है टू शोइंग अ डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें कुछ नहीं किया, जो हम लोग यहां पर एक सर्कल या ब्रैकेट में जनरेट करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट में, वह हम लोग एक दो लाइन के अंतर्गत इनको शो कर देते हैं। दैट मीन्स इनका हम मॉडुलस डिस्क्राइब करते हैं। डिटर्मिनेंट्स हम लोग जब फाइंड करते हैं तो ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, हम स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिटर्मिनेंट्स यहां पर इवेल्युएट करते हैं। इसका तमाम प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं, क्या सिस्टम होगा, कैसे हम डिटर्मिनेंट्स किसी भी अलग अलग स्क्वायर मैट्रिसेस का पता कर पाएंगे। इसके पीछे और भी तमाम प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इनके सिंबल्स का इवेल्युएशन और बहुत सारी चीजें हम लोग यहां पर एक एक करके करते हैं। जैसे पहली बात मैं आपसे कहूं कि फॉर 1x1, क्योंकि स्क्वायर की ही बात करेंगे, अगर एक मैट्रिक्स है 1x1 ऑर्डर a11, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा a11 वह सिंपली a11 ही होगा, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं। अगर हम बात करें फॉर 2x2 ऑर्डर की, मतलब हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं, तो देखिए मैट्रिक्स आपके पास सपोज करिए a11, a12, a21, a22 है, इसका डिटर्मिनेंट्स आपको पता है कि a11, a12, a21, a22। प्रोसेस क्या है इवैल्यूएट करने का, प्रोसेस ये है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ गुणा माइनस इसका इसके साथ गुणा। तो आप लिखोगे a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के साथ डिफरेंस किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो मतलब ये हमारे सामने प्रोसेस आई, ये हमारा सिस्टम हुआ प्रेजेंट करने का। अब आप सोचोगे सर माइनस क्यों, तो माइनस के पीछे एक रीजन है, यहां पर लिखा जाता है -1i+j। मतलब जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो हम लोग -1i+j, आई मतलब नंबर ऑफ रो, और जे मतलब आपको पता है कॉलम। तो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं लोकेशन की, जैसे 1, 1 है, तो 1+1 जुड़ करके क्या आएगा, इवन आएगा, और 1+2 जुड़ करके आएगा, ऑड आएगा। और आपको पता है कि -1 अगर मान लीजिए इवन है, मान लीजिए पावर इवन है तो वैल्यू हमेशा +1 आती है, और पावर अगर मान लीजिए ऑड है तो वैल्यू हमेशा -1 आती है। तो इसलिए जब इससे इसका मल्टीप्लीकेशन किया, यहां पर पॉजिटिव पहला रिजल्ट,
दूसरा इसके साथ जब इसको कर रहे हैं तो यहां पर नेगेटिव रिजल्ट हमारे पास, तो माइनस हम लोग यहां पर परफॉर्म करेंगे। तो चलिए ये तो चलिए समझ में आ रहा होगा कि अगर हमारे पास कोई 2x2 की मैट्रिक्स हमको दी गई है तो हम लोग इस तरह से इसको करके इसको इवेलुएट कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स दी गई है, 3x3 मैट्रिक्स, इसको देखिए कैसे इवेलुएट करेंगे हम लोग। यहां पर एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स कंसीडर कर रहे हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसको जैसे अगर हमें इवेलुएट करना है तो प्रोसेस क्या है, इसका पहला एलिमेंट लेंगे दैट इज A11, क्योंकि यहां पर 11 आई की माइनस वन की पावर आई प्लस जे अगर होगा तो पॉजिटिव सिंबल रखेगा, तो यहां पर प्लस वन है। इसके बाद हम इसके बाकी इसको छोड़कर, जैसे हम जिस रो में रहता उस रो को अगर छोड़ दें, जिस कॉलम में रहता उस कॉलम को छोड़ दें, तो जो बचे चार इनको उठा के एक मैट्रिक्स बना ले, तो इसको हम लिख सकते हैं A22, A23, A32 और A33। तो यहां पर हमने लिखा A11 और उसके साथ साथ हमने एक 2x2 का डिटर्मिनेंट्स बनाया, जो कि हमारे पास वह जिस रो में था उस रो को छोड़कर, जिस कॉलम में था उस कॉलम को छोड़कर प्राप्त हुआ। इसके बाद नंबर आएगा सेकेंड एलिमेंट का, तो सेकेंड एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पर। अब 1, 2 अगर सोचोगे तो 1+2 क्या होता है, ऑड होता है, तो माइनस वन की पावर ऑड होगा तो यहां पर क्या सिंबल लगेगा, माइनस, और इसको हम लिख दें A12। यहां पर भी डिटर्मिनेंट्स बनेगा, जिस रो में है उस रो को छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ेंगे, इसको इसको साथ रखेंगे, अर्थात A21, A23, A31, A33। अब चले गए हम लोग इसके पास 13 के पास, 13 जुड़ करके क्या होगा बताएं, 4 होगा, तो माइनस वन की पावर 4 अगर करेंगे तो प्लस वन आएगा, अर्थात लिखा जाएगा प्लस A13। इसके बाद जिस रो में है उस रो को छोड़ेंगे, जिस कॉलम में उस कॉलम को छोड़ेंगे, तो बचेंगे A4। अब इनको भी उठा के इसी तरह से डिटर्मिनेंट 2x2 का बना दे, A21, A22, A31, A32। तो ये हमारे पास एक सेकेंड पोजीशन। अब यहां पर आपको इनके बारे में तो अच्छे से पता है, ये भी 2x2 हमने सॉल्विंग कराई है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, बीच में सब में माइनस साइन पुट करते जाएंगे, जो समीकरण बनेगा उसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करके इसका इवेल्युएशन परफॉर्म कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी कैसे किया जाए, कि एक एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। मान लीजिए मुझसे कहा गया व्हाट अबाउट द 2, जैसे एक मैट्रिक्स है 1x1 ऑर्डर की, इसका इवेल्युएशन क्या होगा, आप लिखोगे 2, कोई चेंज नहीं। मान लीजिए मुझसे किसी ने कहा 1, 2, 3, 4, इसका अमाउंट कितना होगा, तो आप तुरंत क्या बताएंगे, 4 1 जा 4, -3 2 जा 6, तो वैल्यू कितनी हुई, -2। मान लीजिए मुझे किसी ने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका आंसर बताइए कितना आएगा, तो आपने तुरंत कहा चलिए इसका सोल्यूशन मैं करता हूं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1 लेंगे, जिस रो में था उस रो को छोड़ा, जिस कॉलम में था उस कॉलम को छोड़ा, 9 5 जा 45, माइनस 8 6 जा 48, मैंने लिखा 48, समझते जाइएगा सब लोग। जिस रो में था उस रो को छोड़ा, जिस कॉलम में था उस कॉलम को छोड़ा, 9 5 45, 8 6 48, दूसरा सिंबल क्या लगेगा, माइनस का। याद रखिए इस 3x3 के लिए, एक दिमाग में रख लीजिए आप सब लोग कि अल्टरनेट साइन चेंज दिमाग में रखिए, पहला प्लस है तो दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, कहीं भी बगल बगल साइन, ऐसे ही अगर 4x4 भी होगा तो उसमें भी साइन का यही चेंज होता है, अल्टरनेट साइन चेंज होते चले जाते हैं। मतलब अगर दो आप देखिए, कहीं ना प्लस साथ में है ना दो कहीं माइनस साथ में है, प्लस के बाद माइनस है तो प्लस के पहले माइनस है, इस प्रकार से यहां पर व्यवस्था की जाती है, इसको रखने का सिस्टम है। मैंने माइनस साइन लगाया, हम 2 को उठाएं, 2 लिख दिया मैंने, इसके बाद जिस रो में था उस रो को छोड़ा, जिस कॉलम में था उस कॉलम को छोड़ा, 9 × 4 कर दे तो 36 हुआ, माइनस 7 × 6 कर दिया तो 42 हुआ, अगला सिंबल प्लस का लगेगा। 3 को उठाएंगे, 3 को लिया हमने, जिस रो में था उस रो को छोड़ा, जिस कॉलम में था उस कॉलम को छोड़ा, तो 8 4 जा 32 हुआ, माइनस 7 × 5 कितना होगा, 35 होगा। चलिए सोल्यूशन कर डालिए, तो यहां पर -3, यहां पर आपको पता है कि -6 आएगा, लेकिन माइनस प्लस 12 हो जाएगा, 6 × 12 होगा, क्यों, 36 × 6 = 42 होता है, -6 × 2 कर दीजिए तो 6 × 12 माइनस प्लस 12 हो जाएगा, -3 होगा, -3 -9 हो जाएगा, तो देखिए 12 से 12 घट करके वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। मतलब इसका जो इवेल्युएशन हो रहा है, इस मैट्रिक्स का अमाउंट जो बनकर आ रहा है, वह 0 बनकर आ रहा है।
इस अच्छा इसका भी एक अलग नेचर होता है, मैं उसको समझाता हूं, लेकिन इस 3x3 को सॉल्व करने का एक पैटर्न, एक सिस्टम में और बता रहा हूं, उसको भी समझिए। अगर कोई भी आपको 3x3 की मैट्रिक्स दी जाए, अभी मैं इस पर और डिस्कशन करता हूं, एनी 3x3 मैट्रिक्स कैन बी इवेल्युएटेड बाई, इवेल्युएटेड अर्थात सॉल्व की जा सकती है, इवेल्युएटेड बाई सेरस रूल, एक सेरस रूल है जिसके थ्रू भी हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए सेरस रूल, आई थिंक मैंने यहां पर मेंशन भी कर रखा होगा कि किसी भी 3x3 की मैट्रिक्स को हम सेरस रूल से भी हल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक 3x3 मैट्रिक्स है, सपोज करिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये देखिए इसका पैटर्न क्या है लिखने का, मतलब जो हमने उस तरह से किया उसके अलावा भी मैं यहां पर आपको सॉल्व करवा देता हूं, देखिए प्रोसेस क्या बन जाएगा। सबसे पहले देखिए इसको ऐसे लिखिए, A11 जैसे लिखा है, A21, A31, आगे बढ़िए A12, A22, A32, सही से लिखते चले जाइए, A13, A23, A33। फिर देखिए वही चीज फिर से, A11 आप समझ गए होंगे, इसको इसको फिर इसको, फिर यही दोनों लिखना है हमको, A11, A21, A31, A12, A22, A32। मतलब हमने अपने इस मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में लिखा। लिखने के लिए आपने देखिए कैसे किया, इसको ले गए, इसको ले गए, इसको ले गए, फिर से इसको ले गए और फिर से इसको ले गए। यह प्रोसेस है हमारे पास पैटर्न बनाने का। अब इसको देखिए सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा इसका, एक क्रॉस गुड़ा, मतलब एक प्रत्येक पदों का गुड़ा होगा। ये देखिए जो हैरो बनाते जा रहे हैं, पदों का गुड़ा होता चला जा रहा है आपस में, इनका गुड़ा होगा आपस में, इनका गुड़ा होगा आपस में, इनका गुड़ा होगा आपस में, और एक टर्म बन जाएगा जो मैंने अभी ग्रीन से बनाया, मतलब ये तीनों पद गुड़े हो जाएंगे, गुड़े होकर के जुड़ जाएंगे आपस में। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब इधर भी ऐसे छोड़ करके देखिए, इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, इनका मल्टीप्लीकेशन, इनका मल्टीप्लीकेशन और इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये जो अभी हमारे पास किससे आया, इस कलर से आया, ये भी सेम पैटर्न पर मल्टीप्लाई किए जाएंगे और जो आएगा इससे इसको घटा देने से हमें रिजल्ट पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने अभी मैट्रिक्स लिया था 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है, पहले ध्यान से खूब अच्छे समझिए सब लोग, क्या लिखो बताइए, 1 4 7 2 5 8 3 6 9, फिर से लिखना वही शुरू करिए, 1 4 7 2 5 8। ये जो पैटर्न था इसी पैटर्न में सबको लिख दीजिए ऐसे। लिखने के बाद जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, देखिए मैंने कहा था ग्रीन से ऐसे मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया प्रोसेस, ये हो गया प्रोसेस, एरो बनाते रहे इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये हो गया प्रोसेस। तो पहले सॉल्व करिए, 1 × 5 × 9 = 45, कितना हो गया 45, 1 × 5 × 9 = 45 प्लस 6 × 12 = 84, 84 लिखिए प्लस 4 × 3 = 12, 12 × 8 = 96, 96 लिख दिया माइनस। अब ध्यान दीजिएगा माइनस, अब ऐसे करिए इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये देखिए जो हम एरो बना रहे इसी हिसाब से आप करते जाइए, 4 × 2 = 8, 8 × 9 = 2, 8 × 9 = 72, 6 × 6 = 48 प्लस 5 × 3 = 15, 7 × 3 = 105। सॉल्व करिए, 4 × 5 = 9, 9 × 6 = 15 कह रही है, 4 × 1 = 8 = 13, 13 × 9 = 22 लिख दिया माइनस, 8 × 2 = 10, 10 × 5 = 15 कह रही है, 7 × 8 = 12, 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 1, 1 × 2 = 225 घट गया तो कितना है 0। ये सेरस रूल है, अभी जैसे हमने डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर इवेल्युएशन किया था उसी तरह से मैंने कहा सेरस रूल भी अप्लाई करके हम 3x3 मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट्स इवेल्युएट कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया। आई होप ये चीज आप समझ पाए होंगे कि कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। एक बात यहीं पर आपने देखा कि इस डिटरमिनेंट्स का जो इवेल्युएशन है वह 0 है, डिटरमिनेंट्स का इवेल्युएशन क्या है 0। कभी भी कोई मैट्रिक्स अगर इवेलुएट होकर के 0 हो जा रही है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट्स है अगर वह इवेलुएट होकर 0 हो जा रहा है, तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं।
इफ मैंने लिखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स। अर्थात इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। जो अभी हमने बनाया था, जैसे कि वन था, टू था, थ्री था, फोर था, फाइव था, सिक्स था, सेवन एट नाइन था, जब आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो वैल्यू जीरो आई। अगर यह जीरो है तो यह मैट्रिक्स आपका कैसा है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। याद रखिएगा सिंगुलर मैट्रिक्स का प्रोसेस। इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब आपके पास प्रोसेस दो है, चाहे जो फॉर्मल प्रोसीजर था उसके थ्रू सॉल्व करिए, एक्स का मान निकालिए, क्योंकि यह सिंगुलर है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। मतलब जो फाइनल वैल्यू आए हमारे पास इस मैट्रिक्स की, उसकी तुलना जीरो से करना है, एक्स का मान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो प्रोसेस हमारे पास दो थे, सेरस से परफॉर्म कर सकते हैं, जो मैंने अभी तरीका बताया उससे, शुरुआत में जो बताया था उससे कर सकते हैं। शुरुआत वाले तरीके से अगर किया जाए, वन लेंगे, माइनस सिक्स प्लस माइनस टू, माइनस सिक्स माइनस टू, देखिए ध्यान से, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस 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 प्लस टू हो जाएगा। देखिए यहां पर ऑलरेडी माइनस था, माइनस बीच में भी लगता है तो प्लस टू हो जाएगा। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस थ्री माइनस एक्स कर दीजिए, फिर हम लिखेंगे प्लस थ्री, इस रो को छोड़ा, इस कॉलम को, टू माइनस टू एक्स, टू माइनस टू एक्स बराबर हम कितना कर दे, जीरो। पूरी सॉल्विंग किया तो माइनस एट, और यहां पर हो जाएगा माइनस सिक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स माइनस सिक्स एक्स बराबर आप कितना लिख सकते हो, जीरो। पूरी सॉल्विंग देखिए यहां पर क्या हो जा रही है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए जैसे सिक्स सिक्स से कैंसिल हो गया, यह आपका माइनस एट एक्स हो गया, और यहां पर माइनस एट उधर जाके प्लस एट हो जाएगा, तो एक्स का मान यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो एक्स की वैल्यू हम लोग यहां पर माइनस वन पुट कर देंगे, तो यह मैट्रिक्स आपकी एक सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। होप सो ये चीजें समझ में आई होगी कि क्या प्रोसेस है, कैसे हमने किया। तो मैंने जो आपको अभी तक बताया आज के इस लेक्चर में, उतनी चीजों को आप गंभीरता से तैयार करिए। इसके आगे जैसे कि माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट, जिसका प्रयोग हम इनवर्स में और उसके एप्लीकेशंस की, कैसे किसी लीनियर सिस्टम को सॉल्व करेंगे, यह हम नेक्स्ट अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चीजों को अच्छी तरह से पढ़िए और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत बनाइए, क्योंकि अच्छा मौका है, हम लोग अच्छा कर सकते हैं अगर एक सही फंड के साथ, सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।